गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी ऑल राइट एट योर होम। भैया बहनों, पिछली कक्षा में हमने यूनिट 4 ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, इस यूनिट का हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट किया था। आज हम इस यूनिट की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे। आपके सामने ब्लैक बोर्ड है, इस पर एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है, तो आप अपना पेज नंबर है 76 पेज नंबर है वो निकाल करके बैठ जाएंगे और अपनी जो नोट बुक है इसमें जो खालिस्तान दिए हुए हैं, जो कोष्टक दिए हुए हैं, इनमें जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप इसको फिलअप करते जाएंगे, भरते जाएंगे। तो आइए देखिए हैं हम आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4 ए विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, पुष्कर के ऊंट मेले की एक सैर। एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे भैया बहनों, आपके बुक में दी हुई है, आप उसको देखेंगे पेज नंबर 76 में। ए में है से वेटर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताओ नीचे दिए गए जो कथन हैं उनमें से कौन से सत्य और असत्य हैं। जो सत्य है उसमें ट्रू लिखेंगे और जो असत्य है उसमें अपन फॉल्स लिखेंगे। देखिए भैया बहनों, फर्स्ट में दिया हुआ है इन आवर स्टेट फेयर्स आर हेल्ड थ्रू आउट द ईयर, हमारे राज्य में वर्ष भर मेलों का आयोजन होता है, तो ये भैया बहनों ट्रू है, तो इसमें अपन लिख देंगे टी आर यू ई। फर्स्ट कोष्टक में आप लिखेंगे ट्रू। सेकंड है भैया बहनों, ओनली लोकल पीपल विजिटेड द फेयर, केवल स्थानीय लोग ही यात्रों की मेलों की यात्रा करते थे, तो ये भी गलत है। यहाँ पर है फॉल्स, क्योंकि मेलों में तो नेटिव एंड फॉरेनर्स विजिटेड, स्वदेशी और विदेशी लोग भी यात्रा करते हैं। ओनली कैमल्स आर ट्रेडेड इन द फेयर, केवल ऊँट ही मेले में खरीदे और बेचे जाते हैं, केवल ऊँटों का ही मेले में व्यापार किया जाता है, तो ये कथन भी फॉल्स है, तो यहाँ भी अपन फॉल्स कर देंगे, ये कथन भी गलत है भैया बहनों। फोर्थ में है देयर वार शॉप्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द फेयर, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को बेचे जाने वाली दुकानें थी, तो ये ट्रू है टी आर यू ई, मेले में कई तरह की दुकानें थी। फिफ्थ है पीपल लाइक द कैमल डांस एंड परेड, लोगों को ऊँट की परेड करना, उसका चलना और उसका दौड़ना, उसका नाचना अच्छा लगता है, तो ये भी ट्रू है टी आर यू ई। ट्रू मीन्स सत्य होता है और एफ ए एल एस ई फॉल्स मीन्स असत्य होता है। नेक्स्ट बी में देखेंगे भैया बहनों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। आप देखेंगे इधर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा सिचुएटेड, भगवान ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर में आ जाएगा इन पुष्कर अजमेर, अजमेर में जो पुष्कर है वहाँ पर ये है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी कैमल्स अलोंग विद अदर लाइव स्टॉक आर सोल्ड एंड बॉट इन द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, कितने जो दूसरे पशुधन हैं वो पुष्कर के ऊँट मेले में बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, तो भैया बहनों कितने ऊँट हैं? ऊँटों के बारे में पूछा इस प्रश्न में कि दूसरे पशुधन के अलावा कितने ऊँट भी इस मेले में खरीदे और बेचे जाते हैं, तो भैया बहनों आंसर अपना शॉर्ट में करेंगे ओवर 2500 कैमल्स, 25,000 ऊँटों से अधिक के आसपास इस
ऊंट मेले में इनको बेचा जाता है और खरीदा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखेंगे भैया बहनों, वेयर इज द गणगौर फेयर ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन थर्ड है, वेयर इज द गणगौर फेयर गणगौर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? भैया बहनों, गणगौर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा इन जयपुर राजस्थान। जयपुर जो राजस्थान का जयपुर शहर है उसमें इस गणगौर मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन फोर है, व्हाई डू पीपल विजिटेड द पुष्कर लेक? व्हाई डू पीपल विजिटेड द पुष्कर लेक? लोग पुष्कर झील की यात्रा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर है दे विजिटेड द पुष्कर लेक टू टेक ए होली डिप इन इट। लोग पुष्कर के झील की यात्रा इसमें एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट डाउन व्हाट पुष्कर इज फेमस फॉर। राइट डाउन व्हाट पुष्कर इज फेमस फॉर। पुष्कर का पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है लिखिए। तो इसका किसके लिए प्रसिद्ध है पुष्कर, ये अपने को लिखना है। तो आंसर में हो जाएगा पुष्कर इज फेमस फॉर लॉर्ड ब्रह्मा टेम्पल। पुष्कर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। सिक्स क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कैमल फेयर? विच इज द वर्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर? क
कैमल फेयर. विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर, कौन सा सबसे संसार का बड़ा ऊंट मेला है? तो इसमें आ जाएगा भैया बहनों पुष्कर, इज द वर्ड्स WORLDS वर्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर. विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर, तो आंसर है इसका पुष्कर इज द कैमल्स, पुष्कर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर. पुष्कर का जो मेला है वह संसार का सबसे प्रसिद्ध ऊंट मेला है. तो भैया बहनों आज हमने इसकी एक्सरसाइज को किया, इसका जो शेष भाग है उसे हम कल करेंगे. तब तक के लिए आप इसको घर पे याद करेंगे, लर्न करेंगे. थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ.